छतरपुर से बड़ी खबर है। टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को गैर टीएसपी क्षेत्र में समायोजन के आदेश जारी हुए हैं। विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर जारी की गई समायोजन ये सूची कुल 1903 लेवल प्रथम और द्वितीय के अध्यापकों का किया गया है समायोजन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ये जानकारी दी है। तो टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को गैर टीएसपी क्षेत्र में समायोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर इस समायोजन सूची को जारी किया गया है। आपको बताएं कि 1903 लेवल प्रथम और द्वितीय के अध्यापकों का समायोजन किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये आदेश जारी किए गए हैं। समायोजन के आदेश शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की तरफ से जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 1903 लेवल प्रथम और द्वितीय के अध्यापकों का समायोजन किया गया है और बेहद अहम ये समायोजन सूची है। भारत दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भारत, ये जो सूची जारी की गई है, जरा इसके बारे में बताइएगा, क्या पहले से मांग उठ रही थी और कितनी तैयारी के साथ ये सूची? देखिए बिल्कुल दीपिका, प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक थे जो कि टीएसपी एरिया में तैनात थे, उनके लिए बेहद खुशखबरी है। और तमाम इन चीजों को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं बी डी कल्ला, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर उनको बधाई यहां पर दी है। उन्होंने लिखा है कि जो लेवल 1 और 2 के जो 1903 अध्यापक थे, जो उनको जो विकल्प दिया गया उनकी जो प्राथमिकता के अनुसार उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन के आदेश है वो जारी किए। देखिए इसके लेकर लंबे अरसे से मांग है वो शिक्षकों की चल रही थी और आखिरकार में उनकी मांगों को शिक्षा मंत्री ने कबूल किया है और उसी को लेकर 1903 शिक्षकों के जो समायोजन के जो आदेश थे वो आज जारी किया। और इसको लेकर बाकायदा शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया और ट्वीट के साथ साथ तमाम जितने भी समायोजित जो अध्यापक है उनको बधाई भी यहाँ पर दी है। जी भारत, एक बात और, यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को गैर टीएसपी क्षेत्र में जो समायोजन किया गया है, ये कितनी बड़ी राहत है टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए? देखिए आमतौर पर आपने देखा कि टीएसपी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको डार्क जोन भी यहाँ पर बोला जाता है। डार्क जोन से समायोजन का एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर नॉन टीएसपी एरिया से दूसरे जगह पर शिक्षकों को नहीं भेजा जाता, लेकिन जिस प्रकार से आज जो शिक्षा मंत्री ने 1903 शिक्षकों को समायोजित करने के जो आदेश यहाँ पर जारी किए हैं वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और देखिए तबादलों में भी टीएसपी एरिया को लेकर बड़ी डिमांड यहाँ पर रहती है, लेकिन अभी तक उस चीज पर कोई फैसला है वो यहाँ पर नहीं हुआ। अगर फैसला तबादलों के ठीक है, भारत लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और अब जाकर वो मांग पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।